गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, उस दिन अपन ने 6 तक श्लोक किए थे। तीसरा पार्ट स्वराष्ट्र गौरवम के 6 तक अपन ने क्लियर किए थे। अब इससे आगे जो 5 बचे हैं वो आज हम पूरा करेंगे। तीसरा पार्ट है अपना, चल रहा है स्वराष्ट्र गौरवम। छठा जो अपन ने किया था एक बार रिपीट कर देते हैं, वहां से वापस शुरू करेंगे। अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरीयसी। ये उन्होंने बताया था, जब लक्ष्मण जी ने पूछा तो राम जी ने कहा कि नहीं, ये जो तुम जो कह रहे हो, जो तुम्हारी लंका जो है वो सोने की है, शान और शौकत की है, लेकिन फिर भी मुझे जो है, मेरी जो राष्ट्रभूमि है, जो मेरी जन्मभूमि है, उससे बढ़कर मेरे लिए और कोई जगह नहीं हो सकती है। वो सोने से भी, सोने की लंका से भी बहुत ही ऊपर है, ऊंची है। इसलिए जो मेरी जननी और जन्मभूमि स्वर्गदापि गरीयसी, इसलिए वो स्वर्ग से भी ऊपर है। ये अपन ने वहां तक किया था। इससे आगे अब राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटम स्थितम। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो, ये कहा गया कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली, जो देश के बारे में सोचने वाली, जो देश का हित चाहने वाले है नहीं, ऐसी राष्ट्र दृष्टि के अंदर, ऐसी राष्ट्र भक्ति जो होती है उसमें, तो राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो, ऐसी राष्ट्र दृष्टि को हम नमन करते हैं। राष्ट्र मंगलकारिणी, जो राष्ट्र के बारे में सोचता है, जो किसके बारे में सोचता है, केवल उस राष्ट्र के बारे में सोचता है, जिस राष्ट्र में वह रहता है, जिस देश में वह रहता है, उसी देश के बारे में सोचता है, उसी देश के हित के बारे में सोचता है, उसी देश के, उसी राष्ट्र के मंगल कामना के बारे में सोचता है। तो राष्ट्र दृष्टि में नमस्याम और राष्ट्र मंगलकारिणी, राष्ट्र की दृष्टि से जो राष्ट्र के मंगल की कामना करते हैं वो बड़े ही नमस्कार योग्य है, वो बड़े ही नमस्कार योग्य है। यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्व निकटम स्थितम, और जिनके समीप, जिनके बिना समीप में स्थित कोई राष्ट्र दिखाई नहीं देता हो, ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति यार, ऐसी राष्ट्र भावना जो है उसको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यानी जिस व्यक्ति के मन में अपने राष्ट्र के प्रति इतनी प्रकार की जो मंगल कामना है, उसके अगर हित में है, उसके हृदय में है, और ऐसी हितकारी वाली भावना उसके हृदय में है, और उसे आसपास वाले राष्ट्रों को वो बिल्कुल देखता ही नहीं है और अपने राष्ट्र के बारे में सोचता है, ऐसे उस राष्ट्रहित व्यक्ति के मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तो राष्ट्रहित, राष्ट्र दृष्टि नमस्यामो राष्ट्र मंगलकारिणी यया विना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकटम स्थितम। इसीलिए ऐसी भावना होने के कारण वह किसी नजदीक वाले किसी भी राष्ट्र को वह देख नहीं सकता, या वह देखना भी नहीं चाहता है। ये लिया गया है अमृत वाक्यम भवाचार्य से, उद्धृत है, वहां से संकलित है, ये लिया गया है। इससे अगला है 8वां, समान संस्कृति मदाम यावती पितृ पुण्य भूह तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति मदाम यावती पितृ पुण्य भूह, समान संस्कृति वाले लोगों की, जो समान संस्कृति है जिनके, उनके वाले ऐसे लोगों के, जहां तक पिता और पितामह, पितृ और पुण्य भू, पितृ जो उसके पिता और उसके पितामह, उसकी ये पावन भूमि है, ये पुण्य भू, पुण्य यानी कि ये पावन, भू यानी भूमि है उसके, किसके, जो इंसान यहाँ इस देश की मिट्टी, इस राष्ट्र की मिट्टी से जन्म लिया है, उसके पिता और उसके पितामह जो है, उसके दादा, परदादा, लापरदादा जो है, वो सब इसी भूमि पर, इसी भूमि से जन्मे हुए हैं। तो ये जो भूमि है, ये पुण्य आत्माओं की भूमि है, ये पुण्य भूमि कही गई है ना। समान संस्कृति में मताम यावती पितृ यावती पितृ पुण्य भूह, ये इन पुण्य आत्माओं की भूमि कही गई है। तस्य स्वराष्ट्रम तस्य स्वतत्रम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किलार्हितः। तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। समान संस्कृति वाले लोगों की, जहां तक पिता पितामह की जो पावन भूमि है, यहां उसको ढककर अर्थात उसका स्मरण रूप राष्ट्र कहलाता है।
तावती भुवम आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है ढकना, उसको चारों तरफ दिशाओं से उसको ढक लेना। आवृत्तिम किसको, भू यानी भूमि को, भूमि को चारों दिशाओं से उन्होंने ढका हुआ है। इस राष्ट्र को एक रूप बनाने के लिए उन लोगों ने उन्होंने इसको ढका हुआ है। इसलिए ऐसी ये जो भूमि जो है, ये कौन सी भूमि, हमारे भारत माता की भूमि जो है, ये हमारे जो राष्ट्र है जो हमारे देश की मिट्टी जो है, इनको मैं बारम्बार नमस्कार करता हूँ। ये पुण्यों की भूमि कही गई है, ये लिया गया तदेव से लिया गया, कहां से लिया गया है, ये तदेव से लिया गया है। अगला नौवा, पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वतं स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति हि। पितृभूत्वं पुण्यभूत्वं, और जिस व्यक्ति के अंदर पितृभूत्व, अपने पिता की भूमि का भाव होता है, पितृभूमि का भाव हो कि ये मेरे पिता की भूमि है, कहीं पर भी चला जाए लेकिन अपने देश की मिट्टी जो है ना, वो अपने देश के दूसरे देश की हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अपने देश की मिट्टी के अलावा दूसरे देश की मिट्टी हमें अच्छी नहीं लगती, यानी दूसरा देश हमें बिल्कुल भी सुहावना नहीं लगता है, हमें अपना ही देश, अपने देश की मिट्टी ही सुहावनी लगती है, क्योंकि ये जो है ये पितृभूमि है। ये कैसी भूमि है, ये पितरों की भूमि है ये। तो पितृभूमि का जो भाव होता है, जिसको मातृभूमि का भाव नहीं होता, और जिसको पितृभूमि का भाव और जिसको मातृभूमि का भाव नहीं होता है, वह व्यक्ति जो है वो इस देश में रहने का संभव ही नहीं, वो इस देश में नहीं रह सकता है। क्योंकि ऐसा माना गया है कि जिस देश के प्रति हमारी भावना नहीं हो, क्योंकि ये देश हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारे देवों की भूमि है, ये हमारे ऋषि मुनियों की भूमि है, ये हमारे नमन की भूमि है, तो ऐसे भाव अगर किसी व्यक्ति के अंदर नहीं है तो वो तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किलार्हति, तो इस राष्ट्र में वो रहने के वो योग्य नहीं है। इस राष्ट्र के अंदर रहने का वो किस प्रकार का नहीं है, वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी किसी प्रकार का, अगर ऐसी भावना नहीं है तो किसी भी प्रकार का स्वामित्व इस मिट्टी से उसका नहीं हो सकता है। यानी उस मिट्टी से इस व्यक्ति का जो ऐसी भावना रखता है कि ये मेरे देश की मिट्टी नहीं है, ये मेरा देश, ये ऐसा है वैसा है, अपने देश के प्रति जो भावना नहीं है, अगर उसके कल्याणकारी भावना नहीं है, हितकारी भावना नहीं है, तो बिल्कुल भी वो उसका मालिक यानी कि उसका स्वामित्व बन ही नहीं सकता है। उस देश का, उस मिट्टी से संबंधित उसका कोई संबंध नहीं हो सकता है। तो इसलिए पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम, इसलिए ये हमारे पितरों की भूमि है, ये हमारे पुण्यों की भूमि है। ये द्वयम यस्य न विद्यते, जिनकी दोनों का भाव जो व्यक्ति नहीं रखता है, तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे, तभी वो ऐसा व्यक्ति इस राष्ट्र का भवितुं न किलार्हति, वो कभी भी स्वामित्व नहीं हो सकता है, कभी भी वह यह अधिकार नहीं जमा सकता है, वो हमेशा इस देश के बाहर करने योग्य ही होगा, क्योंकि अपने ही देश के प्रति उसकी निभाना नहीं। मैंने आपको बताया था कि निज भाषा निज देश में जुनून को छोभिमान, अपने ही देश और अपनी भाषा का जिसको अगर गर्व नहीं है तो वो इस देश के अंदर रहने का लायक बिल्कुल भी नहीं है। निज भाषा निज देश में जुनून कछु अभिमान, सौ जन्म जोनि में जन्म व्यर्थ जहान, इस अगर यहाँ जन्म लिया है और ऐसी भावना नहीं है कि ये मेरा राष्ट्र है, मेरी भारत भूमि है, मेरी मिट्टी है, ऐसी भावना नहीं है, तो इस देश में जन्मा हुआ भी वह इसके लायक नहीं है, वो उसको बाहर निकालने लायक है, ऐसी सोच होनी चाहिए। यह था अपना नवा। अगला दसवां है, ये लिया गया था तदेव से, तदेव के उपनयन से लिया गया है। अगला है दसवां, राष्ट्रस्य उत्थानं पतने राष्ट्रीय यावन अलंब्य ही भवतस्य सर्वदा तस्माच्छिद क्षणीयमस्तु राष्ट्रियः। राष्ट्र उत्थानं पतने, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही, राष्ट्रीय अवलंबन्य ही सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति होती है। हमेशा हम राष्ट्र का सहारा लेकर के आगे बढ़ें, अगर हम का कार्य करते हैं तो हमारे उसके साथ में उसकी अवनति और उन्नति दोनों हमारे कारण होती, उस देश के साथ साथ में ही होती है। अगर ऐसा कोई उस देश के प्रति करता है, जैसे पाकिस्तान देख लो, अब पाकिस्तान के अंदर क्या है, अब जैसे कि वहाँ पर ऐसे लोग जो हमारे इंडिया में आते हैं, बंदूकें लेके आते हैं, बम लेके आते हैं और आम जन की हत्या करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, उनको मारते हैं, उनकी जिंदगियाँ ख़राब कर देते हैं, तो हम ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, हम आतंकवादी कहकर पुकारते हैं। तो ऐसा जब कहा जाता, कहाँ से जब पकड़ जाता, पूछा जाता कहाँ से आया ये कौन से देश का, पकड़ा जाता, पता चलता कि ये पाकिस्तान से है, उसका ये नाम है, तो
उसके उस व्यक्ति के कार्य के प्रति जो है वो उसका देश जो है वो बदनाम होता है, यानी उसकी उन्नति और अवनति दोनों हो जाती है, उसकी उन्नति और अवनति दोनों हो जाती है। अब जैसे कि हमारे भारत देश के अंदर जोधपुर के जो यूएनओ के अंदर उस जो सुप्रीम जो कोर्ट चलता है यूएनओ का है, जो विश्व वो अधिवेशन चलता है उसके अंदर वो अध्यक्ष है, तो इसकी वजह से हमारे देश की भी उन्नति हुई, उनकी उन्नति हुई, लेकिन वो किस देश से बिलोंग करते हैं कि हमारे इंडिया यानी भारत से बिलोंग करते हैं, तो इससे भी उनको जो है हमारे देश की उन्नति हुई। तो इस जिस प्रकार व्यक्ति के उसके साथ में उसके देश का भी उसकी उन्नति और अवनति दोनों होती है। तो राष्ट्र उत्थान पतने राष्ट्रावलंबन ही भवत सर्वदा तस्माक्षिक्षणी आस्तु राष्ट्रियः। तो इसी प्रकार से उसकी अवनति और उन्नति होती है, इसलिए राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? शिक्षित किया जाना चाहिए है। बहुत सर्वदा हमेशा उन सभी को भवत उन सभी को तस्माक्षिक्षणीयास्तु तस्माक्षिक्षणीय यानी उसको शिक्षा दी जानी चाहिए, उसको शिक्षित किया जाना चाहिए, उसको शिक्षण दिया जाना चाहिए, उसको ज्ञान दिया जाना चाहिए। उस ज्ञान की वजह से क्या होता है, उस ज्ञान जब इंसान के अंदर जाता है तो उस ज्ञान को वो भाव विभोर होता है, उसको वो विश्लेषण करता है, उस विश्लेषण से उसके अंदर भावनाएं परिवर्तित होती है और वो अच्छे राह पर और हित भावना और कल्याणकारी भावना के ऊपर वो चलने का विचार वो प्रण लेता है। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छी शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए, जहां कभी अच्छी शिक्षा मिल रही है वहां उसको ग्रहण करना चाहिए। तो राष्ट्र उत्थान पतने राष्ट्रावलंबन ही भवत सर्वदा तस्माक्षिक्षणी अस्तु राष्ट्रियः। तो हमेशा शिक्षा देनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और सत्य शिक्षा लेनी चाहिए, सच जो शिक्षा है वो देनी चाहिए, इससे हमारे राष्ट्र का कल्याण होता है और हर जगह उसका नाम लिया जाता, उसकी उन्नति होती है। ये भी तदेव से ही उपनयन से लिया गया था। अगला अंतिम विद्याशस्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। विद्याशस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये, शास्त्र की विद्या और शस्त्र की विद्या, इन दोनों की ज्ञान प्राप्ति जो है ये दोनों होनी चाहिए, यानी शस्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए और शास्त्र का ज्ञान भी होना चाहिए, दोनों अपनी जगह जगह जो है बहुत जरूरी अति आवश्यक है। अब शस्त्र विद्या क्या, शस्त्र विद्या यानी कि तलवार चलाना है ना, ये फायरिंग जो बंदूक है वगैरह चलाना है, ये शस्त्र विद्या कहलाती है, ये चलाना आना चाहिए। जब कभी भी राष्ट्र के लिए युद्ध की जब बारी आती है, अपने वतन को बचाने की बारी आती है, तब हमारे शस्त्र ज्ञान जो सीखा हुआ ये हमारे उस समय काम आती है, किसी की जिंदगी बचाने में काम आती है। इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग क्या कहे गए ये आप अच्छे से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। तो विद्या शस्त्रम च शास्त्रम, तो शस्त्र और शास्त्र की विद्या हमें ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दोनों विद्याएं होती है, दोनों के दोनों ज्ञान प्राप्ति के लिए होती हैं, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। शास्त्र क्या होता है, अब शास्त्र से क्या होता है, शास्त्र से भी ज्ञान बढ़ता है। क्या ज्ञान बढ़ता है, अब हम अगर कुछ वेदों को अगर पढ़ें, उस वेदों के अंदर जो प्रविल्या है जो उनको पढ़ें, हम उनको याद करें है ना, और उसको अपने जीवन में उतारें, उसका विश्लेषण करें, उनके अर्थों को उनके भावार्थों को अगर विश्लेषण करें, तो हमें पता चलता है कि शास्त्र जो है वो कितना काम आ सकता है, ये किसी की जिंदगी के परिवर्तन कर सकता है। अगर उसके अंदर शास्त्र का ज्ञान जाएगा, वो अनुभव करेगा, तो उसकी जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है। तो विद्या शास्त्र और शास्त्र, ये दोनों शास्त्र जो है, ये दोनों का ज्ञान प्राप्त होना अत्यधिक आवश्यक है। शास्त्र ने रक्षिते राष्ट्रे और शास्त्र चर्चा वर्तते। अब दोनों के अंदर क्या गया, विद्या और विद्या शास्त्र और शास्त्र, ये दोनों क्या काम आ सकते हैं कि शस्त्र जो है वो शस्त्र की विद्या जब ग्रहण करते हैं, इससे हम अपने देश हमने राष्ट्र की रक्षा करते हैं। जब शस्त्र, अब जैसे बंदूक चलाना है, तोप चलाना है, गोले चलाना है, साइलेंसर चलाना है, ये लॉन्चर चलाना है, तो ये कैसे, इसका ज्ञान होगा तो हम वहाँ जाकर हम उससे युद्ध, उस दूसरे देश से युद्ध करेंगे है, उसका ज्ञान होगा अच्छे से, हमें कितने मीटर तक इसको ऊपर लेना है, कितनी हाइट लेनी है, कितना लंबा इसको लेना है, फिर उसके बाद में गोला दागना है, और कहाँ तक गिरेगा, कौन सी दिशा में जाके गिराना है, कहाँ तक गिराना है, इसकी सारी की सारी जानकारी होगी तभी हम ये कंप्लीट कर पाएंगे। तो शस्त्र जो है सो वो हमारी राष्ट्र की रक्षा करता है, और
शास्त्र जो है वो हमारे विचार विमर्श के लिए हमारी काम आती है, हमारे हमारे अंदर जो गुण है उन गुणों को बढ़ाने का काम आती है। क्या? शास्त्र चर्चा। शास्त्र चर्चा, एक दूसरे शास्त्र चर्चा करते हैं तो इससे ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। तो विद्या शास्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपतये शास्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, ये चाणक्य ने कहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप देखिए इसके नीचे अन्वय लिखे हुए। अन्वय क्या होते हैं? ये अन्वय जो है, ये अन्वय जो ये श्लोक लिखा हुआ है इसको सही रीअरेंज करके, करेक्ट रीअरेंज अर्थ के अनुसार रीअरेंज करके लिखे हुए हैं। इसको एक एक करके पढ़ेंगे तो इसको करेक्ट मतलब सही वाक्य के अनुसार लिखे गए हैं ये। अब इसके क्वेश्चन आंसर, इसके आपको सभी हिंदी अनुवाद करने, एक श्लोक लिखा फिर उसके नीचे उसका हिंदी अनुवाद भावार्थ, ठीक है, फिर श्लोक लिखा फिर उसका अनुवाद हिंदी अनुवाद, ये आपका होमवर्क होगा। होमवर्क क्या है आपका? इसका हिंदी अनुवाद करने, श्लोकों के हिंदी अनुवाद, श्लोकों का हिंदी अनुवाद।